तो गाइस ये है नौशीन की ईदी में 1 2 3 कोई चाहता है कि उसका हस्बैंड उसको अप्रिशिएट करे, उसके लिए सब चीजें करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दानिश ने बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए। लोगों को पता है दानिश ने मेरे को ईदी दी है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ। सो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये इंट्रो मैं स्टार्टिंग में नहीं दे रही हूँ, मतलब अभी दे रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग का इंट्रो नहीं है। जैसा मतलब दिन स्टार्ट होता है वैसा इंट्रो नहीं है, ये पूरा दिन खत्म होने के बाद मैं अभी इंट्रो दे रही हूँ सहरी करने के बाद। बिकॉज मैं बिजी थी तो मैं किचन में चले गई थी, फिर दानिश ने देखे नहीं। आप लोगों ने देखना आगे जाकर कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि दानिश ने मुझे कर चुके हैं बहुत ही अनोखा सरप्राइज़ देकर। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोगों को देखना है आगे एंड तक ज़रूर। बीच बीच में से देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो गाइज देखते हैं आगे क्या क्या होता है, फिर मिलते हैं आपके पास। तो गाइज मैं आ चुका हूँ नीचे से, मेरा कुछ काम था नौशीन को सरप्राइज़ देने का था इसके लिए। तो गाइज नौशीन किचन में बैठी है, देखते हो क्या कर रही है। नौशीन आप क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए आइसक्रीम कैंडी बना रही थी, काम करते तुम? हाँ मैं नीचे गया था, काम था मेरे को। क्या काम था? सब चीज बताई नहीं जाती और सब चीज छुपाई नहीं जाती। छुपाया हूँ मत बता दो। बताने का नहीं होगा, समझे? ये क्या बना रहे तुम ये? हाँ ये क्या है? कांडी गोश बना रहे। ऐसा कांडी खत्म हो गया अभी, देखी मैंने। अरे हमारे घर में सब कांडी है, तुम बोलते हो ना कितनी कांडी चाहिए तुम्हारे को। इधर मेरी बहन कांडी, मेरा अब्बा कांडी, मैं कांडी, सब कांडी को ही है। आइसक्रीम कांडी बना दी। हाँ। और ये क्या इधर किचन में क्या है? पापा बना रही मलाई चटलेट। ओह माय गॉड, दुआ दुआ। ओह मेरी कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, ऑलमोस्ट डन हो गया मेरा। तो मैं जाऊँ? जा रहे हो? बहुत सारे काम है यार। यार हाँ मैं एक चीज बोला हूँ, एक और करने नहीं रहते ना, सुना 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 लांग। हाँ आज तो पापा से कुछ किया नहीं, गुस्सा होती है। आज पापा मिले नहीं तुम्हारे को? नहीं मिले, क्या हो गया पापा को? सो गाइस सुबह में आयशल मेरे को उठाई, वैसी में नीचे उतर गया। आप लोग ने मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखे हो गए, नौशीन डाली थी वो है ना नौशीन? हाँ रोज मारती है, रोज मारती है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा होया जो मेरे को मारती है? इतना आपकी लड़ाइयां होती है बेटे। हाँ बाकी प्यारी होती है, मैं जाता हूँ चिल्लाती ही गाइस देखना चाहते हैं आप देखना चाहोगे आयशल चिल्लाती मैं जाता हूँ तो क्या बोलते वो मूडी इंसान है। हाँ ब्लॉग चला तो बच्चा कर देगी गाइस। मैं सोचा मेरे घर में ना सीसीटीवी कैमरे लगा दूं, हर चीज कैप्चर करके पूरा ना पूरा लाइफ को दूं। मेरा बिग बॉस में कैसा होता है 24 आवर्स लाइफ वैसा है ना, क्या बोलते है ना। मैंने एक चीज सोचा हूँ, आपको बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा मैंने क्या सोचा हूँ क्या नहीं, समझे? समझ में आया? तुम खाना पीना का ध्यान दो, खाना पीना खिलाओ मेरे को, मोटा करो मेरे को। बोलना चाहिए भाई सभी नौशीन का हस्बैंड इतना मोटा, मैं खिलाती तुम खाते। अभी सभी अभी सभी क्या बोल रहा था, नौशीन जा रही है बोले मोटी, ऐसा बोलते थे। मोटी मेरे को अच्छा है भाई, नहीं ना तो दुबली हो गई वापस से लग रहा है। नहीं नहीं लग रहा है, मीठा खाना छोड़ दी। अरे प्रेगनेंसी के बाद इतना मीठा खा, इतना मीठा खाई मीठा निकलेगा। बाकी मालूम कल के ब्लॉग में इतने कमेंट है, इतने कमेंट है वो एक्टिंग को लेकर। बाप रे बाप, बोले नौशीन ने बोले कैसा पूछू आपको? अच्छा तो इमरान का बनाना। गाइस मैं आ चुका हूँ अंकल आंटी को देखे अफ्तारी, तो नौशीन को देख रहा एकदम पसीने में है, बाप रे बाप। ये क्या नौशीन? अच्छा आलू उबाल के चिकन, क्यूट है ना, सबसे गंदी है। गंदी नहीं होती सवाल, ये तो इब्राहिम जैसी है। कहाँ क्या बोल रहा है? वो ब्लॉगर बन गया। नहीं जा चुके है, तू आ चुका है। आप आ चुके हो? ये मोबाइल कहाँ से लिया तुमने? सड़ेला मतलब इफ्तारी बना के हो चुका है, रेडी है, बैठ चुके हैं पे। तो यहाँ पर आज पूरा घर बाहर का ही आया है, सब बिल्डिंग में दिए, तो वापस रिटर्न भी आ गया अपन को। रिटर्न में सब लोगों ने दे भी दिए, तो करते हैं इफ्तारी, फिर मिलते हैं। यस यस।
सो गाइज इफ्तारी हो चुकी थी और मैं सो गई थी और दानिश चले गए थे नीचे कुछ काम से, तो आ चुके हैं वो और आइजल को भी रेडी कर दिया हम लोग ने झुट्टे। चलो जाएंगे। तेरा रेडी कौन किया बता दे, जल्दी बता दे कौन रेडी किया, कौन किया? अब्बा ने किया ना, कौन किया? चलो ना बाबा। अरे चलो पाँच दस मिनट बाहर और देखता था सब जन सोने की तैयारी में है। तहसीन भी नींद में बैठी है, नौशीन आ गई है बाहर। अभी तो देखेंगे सुबह हो गई, मम्मी जाकर मालूम है। चलो अभी तुम बैठो इधर, मैं आता हूँ नीचे आके फटफट दो मिनट में। चलो जाते हैं बाहर यार। नीचे लिफ्ट का बटन दबा के जी जाओगा, जी से दबा के बीच जाओगा, बस आ जाओगा, समझे? बस दो मिनट का आ रहा हूँ। तहसीन मैं जब वहाँ से आवाज़ दूँगा तो ब्लॉग बना लेना, ठीक है? ठीक है, चलो खोल दो। अरे खोल रहा है ना, रोशनी को ले, रोशनी को ले। क्या कर बोलना चाहता था ये लाया, बहुत अच्छी चीज बता दूं। क्या लाया सबसे? तुम सस्पेंस में रख रहे हो यार, बता दो सस्पेंस में देखना चाहता है क्या है? दिखाऊंगा नहीं इतना भी ले सकता हूँ, बाकी अभी लेने की वो नहीं है। अच्छा मैं इतना पकड़ के रखा होता है, कभी खराब हो जाएगा कोई मुसीबत होगी मेरे ऊपर। क्या है वो? हर एक चीज में काम आता है। अच्छा हर एक चीज में, जिधर भी तुम जाओगे कुछ नहीं करोगे। आइजल उसके पेट में थी और बहुत तकलीफ थी, उल्टियाँ हो रही थी, इसके लिए तो सोचा ये बात उसके लिए रमजान की ईद स्पेशल कर दू, तो दे दो अभी दे दो स्पेशल से उसकी खुशी से तबियत अच्छी हो जाएगा तुमसे। चलो चलो गाइस अभी देने आ रहा हूँ मैं, थोड़ा एटीएम कार्ड है देखो। इसमें मेरा 50-50 ये फूल जैसा फूल मेरी बीवी के लिए, तीसरे फूल मेरी उधर है, तीसरे फूल मेरी एकदम बढ़िया फूल एकदम गुलदस्ता ये बैठे हैं। तो कैसा लगा तुम्हारा? कैसा लगा? निकाल दो और इसमें ज्यादा पैसा मुझे दे दो। मैं सोचा था माँ बाप को भी हर एक चीज में काम आता है, जो भी चीज है इतना है, इसका पूरा महीना निकल जाएगा, हर एक चीज में निकल जाएगा, लेके कपड़ा और क्या, कपड़ा मेकअप ज्वेलरी जो भी चीज सब निकल जाएगी, दस रुपए चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, सरकार तो लगना पैसा नहीं पैसा है, कहते पैसे की जरूरत ही नहीं, वो भी इनके वैसे ही आया है। और दूसरा तुम्हें इसकी जरूरदारी है और दोनों के साथ आई है, मैं देख देख के अब्बा की बेटी दोनों के साथ ही आई ना। और दूसरी चीज बोलना चाहता हूँ, मैं मम्मी पापा को देने आया था दो दो एक नोट, बाकी वो बंद हो चुकी है, इसके लिए पोस्टपोन हो गया,
लेकिन ये बनाया कहाँ से तुमने? ये बनाया थे मेरे दोस्त की फ्रेंड। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाह रही इस पे। वाह 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 वाह। नसीब वाली हूँ मैं जो मेरे को ऐसा हस्बैंड मिला है। नसीब वाली जो ऐसा हस्बैंड मिला, मतलब कोई चाहता है कि उसका हस्बैंड उसको अप्रिशिएट करे, उसके लिए सब चीजें करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दानिश ने बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था कि दानिश इतना फोर्स लगा के कर सकते हैं। मतलब वो इतने शादी से पहले इतने रोमांटिक नहीं थे जितने शादी के बाद आके हो चुके हैं। जब से ब्लॉग में रोमांटिक हो गया अब नोट है मेरे को, तुम लोग नोटों का गिनते हैं, मैं नोटों से 25 इसको ओपन करने का दिल नहीं करे पचास के आसपास होगा। चलो एक काम करते हैं, भी कितना नहीं गोलाई में ना चलो गाइस काउंटिंग चालू है। लगे हुए नहीं नहीं लगेगा। सो गाइस काउंटिंग चालू होने वाली है। हाँ मैं करता हूँ, रुको ये लो पकड़ो, ब्लॉग पकड़ो। गाइस मुझे खोलने नहीं आ रहा, दानिश अब उसको खोल रहे हैं। इतना प्यारा है ना वो सजाए उनने, इसके दिल नहीं कर रहे ना। विंडोज में खुल हुई है। हाँ जो तुम मेरे को प्रपोज कर सको तुम। देखो इब्राहिम कर रहा तुमको प्रपोज यार। आइजल बैठे बैठे देख रही मम्मी अब्बा कर रहे क्या है। बोलता नोट ओरिजिनल नहीं है, नोट नहीं फुल फुल ओरिजिनल निकले निकले तेसीन ठसाले। ए मेरे पैसे हो दो, मैं तब तक के ये सब खोल के लो। कैसा खोले? सेलो टेप संभालना, फट नहीं जाए नोट। हाँ नोट नहीं बढ़िया है तो 500 कम हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है यार, ईदी आई है मेरी माशाल्लाह से। पहली बार गाइस मुझे ईदी मिली है, मतलब शादी से पहले, मतलब ये तो अफ्रीका चले गए थे उससे पहले हम लोग के घर में मालूम नहीं था तो ईदी आती कैसे। फिर शादी हो गई तो आइजल थी तो उसके अंदर मेरे गड़बड़ी थी, तो आज मेरे पास पहली बार मुझे ईदी मिल गई है। वाह दो दो जब मिलती थी ना, अब्बा मम्मी देते थे। हाँ वो देते थे, वो नहीं ऐसी ईदी मतलब आती है ना ससुराल से ईदी, वैसी ईदी नहीं आई थी। वो ही ना ऑडलू गन है, संभाल के निकालना है। अंकल कितनी नोट होगी उसके अंदर? चलो देखते हैं। अल्लाह क्या कर रहे हो? डबल टेप लगा। अच्छा हाँ अच्छा देखते, एक लाख कैसे आए? तो गाइस फाइनली हमारी नोट काउंटिंग हो गई, उसमें से दो नोट है वो जो खराब हो गई है, दानिश ने फाड़ दिए स्टार्टिंग में ही, उसकी लोबान कर दी है। हाँ वो अंकल अभी जाके एक्सचेंज करा देंगे। तो अंकल यहाँ पर गिन रहे हैं कितनी, वो गड्डी के गड्डी दे दिए हो तुमने तो उठा के। मैं इससे ले लूंगी 14-15 प्रो मैक्स, मेरा मोबाइल बेच के। बर्थडे को एक साल, जब तक आइजल की बर्थडे बनाओगे मेरी बर्थडे चले गए, अभी एक दिन बाद ही जो आ गई मेरे पास। पैसा ठसा दिए गिन रहे हो, सीधी कर रहे नोटों को, फोल्ड हो गई थी सब।
हाँ वही ना 30 या तो 40। अच्छा मतलब 50,000। एक रुपया ही नहीं है उसके अंदर। तो फिर क्या कर रही हो अंगूठे चूसते बैठी है? कितना अंकल? 50,000 की बोनी हो गई मेरी। नहीं जरा भी नियत नहीं रखना ये पैसों में। चलो मैं लेके घूमती हूँ जरा 50,000 के नोटे। तहसीन दीदी के अजमेर में हुआ था। फाइनली मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, आपने मेरे को 50,000 रुपया दे दिए। आप जीत चुके हैं, सही बात है। तो अरकान को दे दो फिर, तो अरकान जीता तो अरकान को मिलेंगी ईद पे उसकी ईदी। ये बार मैं बांटूंगी मेरे 50,000 में से सबको ईदी। ले लो पूरे 50,000 अंकल। कितने बड़े झूठे हो यार, मेरे दिल वाली कोई नहीं मिलेगी समझे। काय को दू भाई, वो गिफ्ट गिफ्ट होता है। झुट्टे मान लो तुमको, तुम्हारे पास ही आने वाली है वो। हाँ लो पैसे दे दो मेरे को। चलो तुम्हें जेब मत रखो, दो मेरे पैसे हो गए ना वो। हाँ मेरी गड्डी। हाँ सही बात है। फाइनली हो चुका है हमारा डन। अम्मी तुम लोग को पता है दानिश ने मेरे को 50,000 ही दी दिए। कसम से देखो बंडल लेके। पूरा है ना भूखे लाके दिए थे उसका पैसों का, उसमें 50,000 निकले। हाँ बाद में। हाँ ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए थे कपड़े वपड़े लेने के लिए, तो अब्बा कपड़े ले रहे, तो मैं बोली कि मैं घर पे ही आती, चलो फोन के हम लोग जा रहे कपड़े लेने, चलो मैं भी ज्वाइंट हो जाती हूँ। दानिश के पसंद आएगा दानिश के भी ले लेंगे, तो चलो जाएंगे। नहीं ले रहा है वो जान बुझ के। हाँ मैं लेके घूम रही हूँ, अब शॉपिंग करूँ। संजय का बोला तोला तोला, तू बोला 50,000। चलो तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पर, और मैं आप लोगों को दुकान में बताना भूल गई क्योंकि क्राउड इतना है ना ईद के हिसाब से। बट हम लोग ने ईद के लिए तो नहीं लिए थे कपड़े, मैंने ऐसी नॉर्मल वेयर पहनने के लिए ली थी क्योंकि उसके पास जो वेस्टर्न सब चीज़ पहन चुकी है वो इसके लिए। तो अभी ले लिए है, तो अभी दिखाते क्या लिए है। और मम्मी ने यह बना दी मेरे लिए, क्या बनाया मम्मी? फ्रैंकी चिकन बोटी एग रोल। क्या है खुद का नाम नहीं माना था, सीधा बोलते ना फ्रैंकी। अच्छा ठीक है। सो गाइस देखो आइजल के इन्होंने कपड़े ले लिए हैं। ओके बताओ, ये कोट सेट है, वाओ इतने छोटे छोटे चीज। और ये उसका सिंगल टॉप है जो ब्लैक जीन्स पे जा सकता है। और ये छोटू छोटू ये स्कर्ट है और उसके ऊपर टी शर्ट है। वाओ अच्छा लगता है पहन के, जब चलेगी ना चलने लगेगी। हाँ तभी अच्छा लगेगा। शूज पहनने के लिए मच्छी आई नहीं अब्बा यार, सब चले डाल दिए तुम लोगों ने। मम्मा आई जी, मम्मा आ रहे हमें परवाने। फ्रेंकी का आते टेस्ट करते हैं आइजल के कपड़े। फ्रेंकी नहीं है मेरी, रोटी बोटी और अंडा। अच्छा नाम है ना, रोटी बोटी अंडा। चलो ठीक है, हम लोग आ चुके थे घर पर, तो मैं यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड आइजल सब्सक्राइब।